नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड का पाठ एक पढ़ाने वाली हूँ। यह एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है आत्म परिचय एक गीत, और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। काव्य खंड पाठ एक, कविता का नाम या पाठ का नाम आत्म परिचय एक गीत। कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन। कवि परिचय, जन्म सन 1907 इलाहाबाद। इनका जन्म कब हुआ तो 1907 में हुआ। कहाँ हुआ तो इलाहाबाद में हुआ। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, ये प्रकाशित हुई 1935 में, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, ये दोनों एक ही सन की है। मधुशाला 1935 की और मधुबाला और मधुकलश 38 की, 1938 की। फिर निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आकुल अंतर। अगली है मिलन यामिनी, सतरंगिणी आरती और अंगारे, नए पुराने छरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, ये सब इनकी आत्मकथाएं। ये जो चारों हैं ये क्या हैं, आत्मकथाएं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, तो आत्मकथा चार खंड। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, इनका इन्होंने अनुवाद किया है। प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी विधा है। उनका पूरा नाम, पूरा वांग्मय बचपन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका जो पूरा वांग्मय है मतलब पूरा ग्रंथ है, जो व्याकरण है वह क्या है, बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन, इनकी मृत्यु सन 2003 मुंबई में। तो इनकी मृत्यु कब हुई तो 2003 में हुई। कहाँ हुई तो मुंबई में हुई। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, तो 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब प्राध्यापक थे तो उसमें ही आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबद्ध, और फिर क्या है, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। तो जो महायुद्ध हुए थे तो दोनों महायुद्धों के बीच जो मध्य वर्ग के विक्षुब्ध और व्याकुल मन को क्या है, बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की वजह सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त के शैली में अपनी बात कही। इन्होंने क्या है, छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता है उसको छोड़ करके, बल्कि जो सीधी साधी इनकी जो जीवंत भाषा थी, और वो भाषा भी कैसी थी, संवेदन से युक्त, और गे मतलब गाई जा सके, तो गे शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। आगे बताया कि व्यक्तिगत जीवन में जो घटी घटनाएं होती हैं वह सहज अनुभूति की, वो ईमानदार जो अभिव्यक्ति होती है वह बच्चन के यहाँ पर आपको कविता में देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन्हीं की कविताओं में ये प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। और यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में इनकी जो विलक्षण
है उस विलक्षणता का और लोकप्रियता का मूलाधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। फिर बताया कि मध्ययुगीन जो फारसी के जो कवि हैं उमर खय्याम का जो मस्तानापन है वह क्या हरिवंश राय बच्चन की जो प्रारंभिक की जो कविताएं हैं उनमें आपको विशेष रूप से देखने मिलेगी। उस प्रारंभिक कविताओं में उसका नाम है मधुशाला। तो इस मधुशाला में क्या है एक अद्भुत ही अर्थ विस्तार आपको मिलेगा। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। आगे बताया है इन्होंने कि जीवन क्या है एक तरह का मधु कलश है और जो दुनिया है वह क्या एक प्रकार की मधुशाला है और जो कल्पना है वह साकी और कविता वह प्याला है जिसमें डाल करके जीवन पाठक को क्या है पिया जा सकता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। जो कविता का एक घूंट यदि हम लें तो वही क्या है जीवन का एक घूंट भी है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। आगे बताया कि पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे और कड़वा खट्टा मीठा जो भी एहसास होते हैं तो वह क्या सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर क्या है छा जाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। मतलब हम एक से प्रेम करते हैं तो उसी के बहाने क्या होता है सारी दुनिया से प्रेम हो जाता है और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। और जो हम करते हैं ये तेरा है ये मेरा है तो ये जो समस्त लड़ाई झगड़े हैं ये भी क्या है दूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं और इसी कारण से इसे क्या है बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। तो यह बात क्या है ध्यान देने योग्य है क्या कि उनकी युग बोध संबंधी जो कविताएं हैं जो बाद में लिखी गईं उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। बच्चन को देखा जाए तो हम कवि रूप में इन्हें ज्यादा पाते हैं और वही प्रसिद्ध है पर उन्होंने कहानी नाटक डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी हैं। ये तो इसमें प्रसिद्ध ही है कवि के रूप में परंतु इसके अलावा हम देखें जैसे कहानी है नाटक है डायरी है और आत्मकथा है तो इन सभी में भी क्या है प्रसिद्ध है और इनकी आत्मकथा जो इन्होंने लिखी वह भी क्या है बहुत ज्यादा अच्छी है। जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है और इस आत्मकथा की विशेषता यह है कि जो ईमानदार जो आत्म स्वीकृति और जो प्रांजल शैली के कारण यह क्या है पाठकों को बहुत अच्छी लगती है लोग आज भी उसको पढ़ते हैं। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इनकी जो कविता है आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का ही क्या है एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जाने से ज्यादा कठिन है। मतलब हम दुनिया को तो आसानी से जान सकते हैं परंतु स्वयं को जानना ज्यादा कठिन होता है मुश्किल होता है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। इसमें बताया है कि समाज से व्यक्ति का जो नाता होता है रिश्ता होता है वह खट्टा मीठा तो होता ही है सभी जानते हैं और जो जग जीवन अर्थात संसार के जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। यहाँ बताया है
कि दुनिया में अपने जो व्यंग्यवाण होते हैं, हम कहते हैं यहाँ की सरकार अच्छी नहीं है, वहां का प्रशासन अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार से हम चाहें कि जितना कष्ट दें, पर जो दुनिया से कटकर हम चाहें रहना, तो मनुष्य का है उससे रहना संभव नहीं है, क्योंकि ये अकेला व्यक्ति नहीं रह सकता। समाज में रहते समाज के सभी प्रकार के जो वर्ग होते हैं उनसे मिलना पड़ता है, सभी से सभी प्रकार से बातचीत करनी पड़ती है, तो उनसे कटकर रहना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान है, उसका जो आनंद है और उसका जो परिवेश है, उसकी ही क्या है, एक अलग ही प्रकार की दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्योतात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करना करता चलता है। और यहाँ पर कवि है वह क्या है, अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने जो द्वंद्वात्मक और द्विधात्मक संबंध है उसके मर्म को बताते चलते हैं। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, और अंत में उसका मतलब सार निकलता है कि मैं दुनिया से जो मेरा संबंध है वह कैसा है, प्रेम का और झगड़े का है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं राग द्वेष कह सकते हैं। राग अर्थात प्रेम और द्वेष मतलब झगड़ा। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, आगे उन्होंने कहा कि जो मेरा जीवन है वह क्या है, विरुद्धों का ही सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक, सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। आगे बताया है उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, क्योंकि जब हम रोते हैं तो उसमें भी एक प्रकार का राग निकलता है। शीतल वाणी में कभी कभी आग निकल जाती है, हम मीठा मीठा बोलते हैं और मीठे में ही हम ऐसे कटु शब्द बोल जाते हैं कि दूसरों के लिए क्या है, आग का कार्य करते हैं। विरोधों का विरोधाभास मूलक जो सामंजस्य है वह साधते साधते ही वह क्या है, वे खुदी, वह मस्ती और वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तवलगार नहीं हूँ, वो कहते हैं कि मैं दुनिया में तो हूँ परंतु दुनिया का तवलगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, मतलब बाजार से तो गुजरता हूँ परंतु जरूरी थोड़ी कि मैं खरीदार ही हूँ, अर्थात खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। आगे बताया कि जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है और यह ठस्सा ही क्या है, छायावाद की वाद जो गीति काव्य है उसका प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। आगे बताया कि किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की जो तलाश है उसमें सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से क्या है, दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लोट रखता है। आगे बताया प्रीति और कलह का जो यही वितान और विरोधाभास है, तो यह विग्रह ही क्या है, इन्हें दूर जो टिमटिमाते तारे होते हैं आकाश में, तो उसकी अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशील के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। आगे बताया जो निशा निमंत्रण है इनकी रचना से उद्धृत जो गीत है, प्रकृति के जो दैनिक परिवर्तनशील के संदर्भ में क्या है, प्राणी वर्ग में भी किसे लिया है इन्होंने, मनुष्य को, मानव को, तो मानव के धड़कते हृदय को सुनने की जो काव्यात्मक कोशिश वह इन्होंने की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना, और वो कोशिश क्या है कि बहुत ही जो सरल
सर्वानुभूत बिंबों के जरिए क्या है किसी अगोचर सत्य की जो कहानी है उसको बिल्कुल महसूस करना, छूना उसको, तो वो क्या है इनकी कविता में हमें मिलता है। बच्चन की जो अलग विशेषता है यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। आगे बताया है कि किसी प्रिय आलंबन या वस्तु से भावी साक्षात्कार का जो आश्वासन है वही हमारे प्रयास के पगों की गति में क्या करता है, चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभी सिक्त हो जाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, चंचलता तेजी हमारे उस गति में नहीं भरेगी तो हम क्या होंगे कि शिथिल हो जाएंगे, और शिथिल होने के बाद हम जड़ता को प्राप्त हो जाएंगे और एक जगह बैठकर रह जाएंगे। गीत इस बड़े सत्य के साथ संयम के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। जो ये गीत है ये क्या है, बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है, क्योंकि जब बताई दिया है कि जो प्रकृति है वह क्या है, दैनिक परिवर्तनशील है, मतलब नित्य बदलती रहती है। जब वो बदलती तो हमें भी क्या है अपने जीवन में क्या है बदलना चाहिए। यदि कोई लक्ष्य रखा है तो उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना चाहिए। आगे आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों के मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाब बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपल पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भवों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये आत्म परिचय कविता, इसमें हरिवंश राम बच्चन जी हैं, उन्होंने बताया है कि मैं किस प्रकार से जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मतलब संसार की जो जीवन है उसमें एक भार को लेकर फिरता हूँ, मतलब स्वयं के शरीर के बारे में उन्होंने कहा है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी क्या है
मेरे ऊपर इतना भार है, उसके बाद भी मैं क्या है इस जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और बताया कि किसी ने क्या है मेरे प्रेम रूपी मन को क्या है जंकृत किया, और जैसे ही उसने मुझे छुआ तो उसमें से क्या है एक ध्वनि निकलने लगी, आवाज निकलने लगी, और मैं सांसों के दो तार हैं उनको लिए फिरता हूँ। इसी को हम व्याख्या के माध्यम से पूरी कविता को समझते हैं। पंक्तियां मैं जग से लेकर यहां पर आपका आ जाएगा गान किया करता हूं, यहां पर आपकी 8 पंक्तियां आ जाएंगी। सबसे पहले हम इसका सौंदर्य एवं प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। अर्थात प्रस्तुत जो काव्यांश है, जो लाइनें हैं, वह हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी आरोह, आरोह की भी भाग 2 से संकलित कविता है आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन हैं, और इसके जो रचयिता हैं वह प्रसिद्ध कवि कौन हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि जन जन के जीवन शैली को बताता है तथा दुनिया को जानने का आह्वान करता है। तो यहाँ प्रसंग में हो जाएगा कि इसमें जो कवि हैं वह क्या है कविता के माध्यम से जन जन की जो जीवन शैली होती है उसको बताते हैं और दुनिया को जानने का आह्वान करते हैं। अब इसी व्याख्या प्रस्तुत काव्यांश में बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। मतलब मैं संसार में क्या करता हूँ, जीवन रूपी जो भार है उसको उठाता हूँ और घूमता फिरता रहता हूँ। इसके बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। मतलब मैं जीवन रूपी भार को बहन कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो कवि है वह कह रहे हैं मेरे जीवन में प्रेम है, प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है, और इसका जो कवि का जीवन है वह कैसा है, सितार की भांति है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। क्योंकि आप सितार के जब तारों को छुएंगे तो जैसे ही उसको छूते हैं तो उसमें से एक आवाज निकलती है। तो वो भी कह रहे हैं कि जो मेरा जीवन है वह क्या है, सितार रूपी है, और मेरे सितार रूपी जीवन को किसी ने छुआ है और जैसे ही उसने छुआ तो वो क्या हो गया, झंकृत हो गया, आवाज निकलने लगी। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा, और बाद में क्या हुआ, वही उसका जो जीवन था वह कैसा हो गया, संगीतमय हो गया। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है, और इनका जो जीवन है वह क्या है, इन्हीं तार रूपी जो सांसें हैं उनके कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है। उसने बताया कि मैंने क्या है प्रेम रूपी जो शराब होती है, मदरा होती है, उसको पी रखा है। अर्थात प्रेम किया है मैंने, प्रेम किया है तथा बांटा है, मैंने प्रेम किया भी है और उस प्रेम को क्या किया है, बांटा भी है दूसरों में। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की, संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं। उन्होंने कहा मैंने संसार के कभी क्या है परवाह नहीं की है, ये तो संसार के लोगों का स्वभाव है कि वे क्या है उनको पूछते हैं, जो संसार के अनुसार चलता है चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। और वो किसको पूछते हैं, तो वो उन लोगों को पूछते हैं जो उनकी क्या है प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, और कवि कहते हैं कि मैं तो क्या है अपनी ही मस्ती में मस्त रहता हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार ही चलता हूँ। अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है, और जो कवि है वह उसी कार्य को करता है जिसमें उसका मन सही से लगता है। अब इसकी विशेषता है, तो विशेष कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है कि मैंने जीवन में प्रेम किया है। दूसरा संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है कि मतलब संसार के लोग कितने स्वार्थी होते हैं, क्योंकि जिससे प्रेम करते तो उस प्रेम को बांटना नहीं चाहते, परंतु जो कवि है कवि ने क्या है अपने प्रेम को बांटा भी है दूसरों में। इसमें सुराबा सांसों के तार में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ निकलेगा स्नेह रूपी सुरा या सांसों रूपी
या सांस रूपी तार। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जा जा शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। खड़ी बोली का प्रयोग है, यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किया करता हूं लिए फिरता हूं की आवृत्ति में गीत की मस्ती है। अब दूसरी व्याख्या है, मैं निज उर की उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाभ बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। इसी की व्याख्या है, प्रसंग संदर्भ पूर्वत हो जाएगा, प्रसंग है। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने जो दंडात्मक संबंध है उसको उजागर करता है। इसकी व्याख्या है, कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है, कि उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं मन के अंदर, उन्हीं भावों को क्या है, दुनिया के सामने प्रकट करता है कविता के माध्यम से। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसने कहा है कि मुझे संसार में क्या है, जो खुशियों की उपहार मिले, भेंट मिली है, उस भेंट को मैं साथ में लिए ही फिरता हूं। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। उसने कहा कि ये संसार मुझे ना अधूरा अधूरा से दिखाई देता है, इस कारण से मुझे ये संसार क्या है, पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, वह क्या है, अपनी ही कल्पना में एक अलग संसार की रचना की हुई और उसी को लिए फिरता रहता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। कवि का मानना है कि सभी लोग संसार में क्या है, प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ। कवि कहते हैं कि यदि मैं मतलब सोचता हूँ कि लोग ऐसे लड़ के झगड़ के रहते हैं और मैं भी किसी से झगड़ लेता हूँ, तो मेरे हृदय में क्या है, मैं अपने हृदय में क्या है, एक प्रकार की आग लगा लेती हूँ, और आग क्या करती है, चलाने का कार्य करती है, तो मैं आग चलाकर क्या उसमें चलता रहता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। आगे उसने कहा कि जो प्रेम की दीवानगी है, मैं उस दीवानगी में क्या है, हमेशा मस्त रहा करता हूँ, और इस के बीच यदि सुख दुख आ भी जाते हैं मेरे ऊपर, तो भी मैं क्या है, उनमें मस्त ही रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है, मतलब इसमें विपत्तियां आती ही रहती हैं। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, और लोग क्या है, इसको पार करने के लिए जो कर्म होते हैं, हमारे कार्य होते हैं, तो उन कर्म रूपी उनको क्या करते हैं, एक नाव बनाते हैं। परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो संसार रूपी सागर की लहरों पर ही मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। इसमें विशेष है, कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। नंबर 3, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है, तत्सम शब्दावली की बहुलता है, और सिंगार रस की अभिव्यक्ति है। अगली 3 पंक्तियां, मैं यौवन से लेके फुलाना तक, यहां पर आपका लिया जाएगा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर ताना, फिर मूड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों का भावार्थ है अर्थात व्याख्या। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। कभी कहते हैं कि अभी मेरी क्या जवानी है, और जवानी में क्या एक अलग ही मादकता छाई रहती, पागलपन होता है, तो मैं उसी पागलपन पर क्या हूँ, सवार हूँ, और उसी की मस्ती में मैं क्या करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ।
इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। दीवानापन होने के कारण कई बार उसे क्या कई प्रकार के कष्ट भी प्राप्त हुए हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है, फिरता रहता है। कभी को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है। कभी कहता है कि जब मुझे अपने किसी प्रिय की याद आती है तो मुझे क्या है, बाहर से तो हंसी आती है परंतु उसका मन रो देता, परंतु जो मेरा मन है वो मेरा मन क्या है उसको याद करके रो देता है। अर्थात याद आने पर कभी का जो मन है वह व्याकुल हो जाता है। कभी कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाए। मतलब जीवन सत्य को तो सभी जानने की बहुत प्रयास किए परंतु जो सत्य है वास्तविक रूप में उस सत्य को कोई नहीं जान पाया है। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख अर्थात नादान भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। बताया कि ये जो मूर्ख होते हैं वह कहाँ होते हैं, तो जहाँ समझदार होते हैं चतुर होते हैं वहीं पर ये मूर्ख भी होते हैं। हर व्यक्ति वैभव समृद्ध भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है, वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कभी बताते हैं कि हर व्यक्ति क्या है, वैभव सुख की जो सामग्री है, भोग की जो भोग की सामग्री उसकी तरफ भाग रहा है। आज भी हम उसी के पीछे भाग रहे हैं और वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कौन सा सत्य नहीं सीख सके? कभी कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूं। कभी कहता है कि मैंने बहुत सी बातें सीखी, बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया परंतु मैं उस ज्ञान को भुला करके अब नई बातें सीख रहा हूं। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि सांसारिक चीजें तो क्या यहीं पर छूटना है और जो हम अपने मन के अनुसार आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वह आत्मा के अनुसार चलना ही क्या है मैं सीख रहा हूं। अर्थात आत्मा को समझ रहा हूं, आत्मा से ही मैं परमात्मा तक पहुंच सकता हूं। विशेष उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास है। दूसरा लिए फिरता हूं की आवृत्ति से गेता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, में सूक्ति जैसा प्रभाव है। जैसे मान लो ये सूक्ति है, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब अगली पंक्तियां हैं, मैं और मैं और जग और कहां का नाता से लेकर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कभी कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कभी कह रहे हैं कि मैं संसार को देखा जाए और मुझे देखा जाए तो हम दोनों में ही क्या है किसी प्रकार का संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा क्या है टकराव चल रहा है। कभी अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है फिर उसे मिटा देता है। कभी कहता है कि मेरी कल्पना के अनुसार मैं चलता हूं तो मैं अपनी कल्पना के अनुसार ही क्या संसार का निर्माण करता हूं, सृष्टि रचना करता हूं और फिर उसे ही मिटा देता हूं। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता हूं और मैं इस संसार में क्या करता हूं, इस धरती पर सुख के साधन जुटाता हूं। परंतु कभी हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, परंतु कभी क्या है हर कदम पर इस धरती को क्या कर देता है, ठुकरा देता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कभी कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। मतलब कभी कह रहा है कि मैं रोता भी हूं तो उस रोदन में भी मेरे क्या है प्रेम समाया हुआ है, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है। अर्थात उसमें असंतोष झलकता है, उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है। उसका जो जीवन है वह क्या है प्रेम में निराशा होने के कारण खंडहर जैसी हो जाती है। फिर भी उस पर राजाओं के महल निछावर होते हैं, फिर भी वो कहता है कि मेरी मतलब इस खंडहर से जो प्रेम है जीवन रूपी प्रेम में क्या है राजाओं के जो महल हैं वह भी क्या है निछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर निछावर कर सके। विशेष
कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है कि वो किस प्रकार का अनुभव करता है, कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है और की आवृत्ति में यमक अलंकार है और सिंगा रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगली है मैं रोया फिरता हूं। तो कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका जो मन है वह रोता है, क्योंकि जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, जब उससे बिछोए होता है, तो बिछे होने के बाद क्या है, हम उसके जब एहसास को अनुभव करते हैं, उसके बिछोए का अनुभव करते हैं, तो क्या है, स्वयं ही मन रोने लगता है, अर्थात हृदय की जो व्यथा है शब्द रूप में प्रकट हुई है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है और जो वो रोता है तो संसार क्या समझता है कि ये गाना गा रहा है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। कभी कहता है जब मेरे अंदर जो वेदना है, दुख है, वह बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देता हूँ। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है और संसार इस प्रक्रिया को क्या कहती है कि अरे ये तो बहुत अच्छे छंद बनाता है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है और कवि कहता है कि ये जो संसार है, संसार के जो लोग हैं, वह लोग क्या है, मुझे कवि के रूप में ही अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है, समाज उसी दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। कभी कहता है कि समाज के जो लोग हैं मुझे दीवाना क्यों नहीं कहते। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है और वह जो कवि है वह क्या है, दीवानों का स्वरूप धारण करके और संसार में घूमता फिरता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है और उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है वह उसको लेता और उसी को लेकर घूमता फिरता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है और इस मस्ती को जो संसार के लोग सुनते हैं और सुनने के बाद झूम उठते हैं। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं और आगे बताया कि जो कवि के गीतों की मस्ती को लोग सुनते हैं और सुनने के बाद क्या है, उसके प्रेम के आगे झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं और क्या होता है, वो भी आनंद मग्न होकर उसमें झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं और आगे बताया कि मस्ती के संदेश को लेकर ही जो कवि है वह क्या संसार में घूमता फिरता रहता है और जिसे लोग क्या है गीत समझते हैं और गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। विशेष इसमें कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, यह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है अर्थात तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। अब अगली कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच तका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में ढोंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विफलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। संदर्भ एवं प्रसंग इसी कविता का। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। तो इसमें बताया कि जो प्रस्तुत तो कविता है, जो काव्यांश है, वह क्या है, हमारी जो पढ़ी हुई पुस्तक है आरोह के भाग दो से ली गई है। और कौन से गीत है, इस गीत का नाम है दिल जल्दी जल्दी ढलता है।
इस कविता के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इस प्रसंग में बताया कि जो एका व्यक्ति का जो एकाकी जीवन होता है वह कैसे कुंठा और प्रेम की व्याकुलता किस प्रकार की से उसके अंदर होती है उसको बताया गया है। व्याख्या। कवि जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता, जैसे ही शाम होती है तो जो यात्री होते हैं वे अपने घर की ओर क्या है जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, और चलते चलते सोचते हैं कहीं रास्ते में क्या है रात ना हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। और उसकी जो मंजिल क्या है वो पास में ही होती है, इसलिए थकान होने के बाद भी वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब वो जाता है पढ़ता है तो उसे दिन क्या लगता है कि जल्दी ढल गया है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, और जैसी ही रात्रि होती है तो जो पथिक होता है यात्री होता है तो उसे क्या है अपनी यात्रा क्या है बीच में ही समाप्त करनी पड़ती है। इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लसित तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता। आगे बताया उसका जो थका हुआ शरीर है वह भी क्या है उल्लसित और तरंगित और आशान्वित मन का होने के कारण कि उसके पैरों में क्या है गति बनाए रखता है, उस गति को कम नहीं होने देता है। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़ियां भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती हैं। कवि कहता है जो प्रकृति का नियम है उस प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि प्रकृति में जो चिड़ियां हैं तो चिड़ियां भी क्या दिन ढलने पर चंचल हो उठती हैं। वे शीघ्र अति शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। जो चिड़िया होती है तो चिड़िया भी चाहती है कि अब शाम हो रही है तो मैं जल्दी से जल्दी अपने घोंसले में पहुंच जाऊं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, और चिड़ियों को याद आता है कि उनके बच्चे क्या हैं, उनको भूख लगी होगी और भूख लगने के कारण उनको भोजन चाहिए होगा, तो वो क्या है जो घोंसले होते हैं तो घोंसलों में से झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है, और जैसे ही उन्हें याद आती कि मेरे हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे तो उनके जो पंखों की उड़ान है वह क्या है तेज हो जाती है, और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता। कवि यहाँ पे बता रहा है कि इस संसार में क्या है अकेला है, और अकेला होने के कारण उसका कोई इंतजार नहीं करता, कोई उसको मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, और जिस उत्कंठा से जैसे चिड़िया है तो चिड़िया के बच्चे उसका इंतजार करते हैं तो ऐसी ही उत्कंठा से उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं करता, इंतजार नहीं करता। वह भला किसके लिए भागकर घर जाए, कवि कहता है कि मैं भला किसके लिए भागूं किसके लिए घर जाऊं। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण ही नहीं है, जो कवि है कवि के मन में प्रेम की जो तरंग है लहर है उसको उठने के लिए कोई कारण ही नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, जैसे ही कवि के मन में ये प्रश्न आता है कि मेरे लिए तो कोई नहीं है मेरा अंदर तो किसके लिए प्रेम चाहिए किसके लिए प्रेम की जो तरंगे हैं वह उठे तो उसका जो मन है वह कैसा है और उसके जो पैर हैं वह कैसे हो जाते शिथिल हो जाते। तो मन में जैसे ये प्रश्न आते हैं कि कोई नहीं है तो उसके जो पैर आगे बढ़ रहे होते हैं वही वहीं पर रुक जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी, और उसको एकाकीपन सताने के कारण उसको लगता है तो दिन चला और रात आ जाएगी, रात जैसे ही आएगी तो मैं क्या है अकेला का अकेला ही रह जाऊंगा। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी, और बताते रात में क्या है मैं अकेला रहूंगा और उसकी जो प्रिया है उसका जो वियोग है उसका जो दुख है उसे क्या कर देता है अशांत कर देता है, इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है, और इसके ही के कारण उसका जो हृदय है वह क्या है दुख के कारण दुखी हो जाता है बेचैन हो जाता है। इसमें विशेष है
एकाकी जीवन बिताने वाली व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है कि जो अकेला व्यक्ति रहता है उसके जो विचार है वे कैसे बदल जाते हैं। सरल, सहज और भाव अनुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसमें क्या है अभिव्यक्ति की सरलता है। अब है अभ्यास प्रश्न, शुरू होंगे यहां से कविता के साथ। प्रश्न नंबर एक, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है, मतलब ऐसा यहाँ पर क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है, जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, मतलब संसार में रहता है तो संसार की जो सांसारिक दायित्व है उनको निभा रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है, जैसे दूसरे व्यक्ति है वैसे ही वह है, तथा सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। जैसे दूसरे लोगों को सुख आता है, दुख आता है, हानि होती है, लाभ होता है, तो ऐसे ही क्या है यह भी क्या है झेलती हुई उनको सहन करती हुई अपनी ये जो यात्रा है उसको पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता, यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता, वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान ना देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता, मतलब जो संसार की कोई सार गर्भित बात है कि नहीं है, निरर्थक है, जिनसे कोई प्रयोजन ही है, तो ऐसी बातों पर वह क्या है ध्यान नहीं देता बल्कि क्या है प्रेम पर ही केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता, जो आम व्यक्ति होता है जो सामाजिक बाधाएं होती परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से डरकर कुछ नहीं कर पाता, और कभी सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता था। इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, ये एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक हैं। प्रश्न नंबर दो, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। इसका उत्तर है, नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक माया जाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य, सभी जानते हैं कि संसार नश्वर है, असत्य है, मनुष्य से सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी संसार में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। प्रश्न नंबर तीन, मैं और जग और कहां का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहां और शब्द का तीन बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है, तो पहले और का मतलब क्या हो गया, आम व्यक्ति की तरह ना होकर उससे अलग है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीजों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं की अंतिम लक्ष्य मानता है, मतलब उसको लगता है कि जो सांसारिक सुख सुविधाएं वही क्या है उसका अंतिम लक्ष्य है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो और शब्द है वह तीन शब्द तो एक है परंतु जो और है उसका जो अर्थ है वह क्या है अलग अलग प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर चार, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह प्रेम रहे संसार को अस्वीकार करता, अर्थात जो जिस संसार में प्रेम ना हो ऐसे संसार को स्वीकार नहीं करता है। अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी जो असंतुष्टि है उसको व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म
को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है। जो उसका कवि धर्म है उसको निभाते हुए क्या कर रहा है, ईमानदारी से उसे जागृत कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, बच्चे किस बात की आशा से या आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसका उत्तर है, पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं, उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वह क्या करते हैं, भोजन की तलाश में सुबह निकल जाते हैं और जैसे ही शाम होती है तो उनके बच्चे इंतजार करते हैं कि अब क्या है, हमारे लिए भोजन आएगा, तो उसी का इंतजार करते रहते हैं। माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे, साथ साथ वे माँ बाप के स्नेहिल स्पर्श पाने के लिए भी प्रतीक्षा करते हैं कि माँ आएगी तो मेरे को दुलार करेगी, पिताजी आएंगे तो वो मेरे को क्या है, प्रेम करेंगे। तो ऐसा जो स्पर्श उसको पाने के लिए भी वह उत्कंठित रहते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श व उसकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। सिर्फ खाना पीना ही बच्चों को आनंद नहीं देता बल्कि उस बच्चों को गोद में बिठाना, प्रेम दिखाना, ये सभी क्या है, उनको बहुत ज्यादा आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वे नीड़ों से झांकते हैं और इन सब की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, जो उनके घोंसले होते हैं, नीड़ होते हैं, उनमें से झांकते रहते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कभी ताकि किस विशेषता का पता चलता है। इसका उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता कि कितने जल्दी उसका समय बीत जाता है। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय की निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है, क्योंकि समय क्या है, निरंतर चलता रहता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें क्या है, हमेशा समय के अनुसार ही चलना चाहिए और वही क्या है, हमारी आवश्यकता है। अब है कविता के आसपास से प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है, सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है। उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की नियति है। सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि जो सामाजिक प्राणी होने के नाते जो मनुष्य का संबंध है वह क्या है, हर संबंध का निर्वाह करता है। जैसे पिता है तो अपने पुत्र की जिम्मेदारी निभाता है, पुत्र अपने पिता से जो सीख मिलती हो उसको सीखता है और उनका वहन करता है। तो ये जो संबंध है वह चलते रहते हैं और उनका निभाए भी वह करता है। उसे जीवन में क्या अनेक तरह के कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की क्या है, नियति है। सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। कभी हमारे पास सुख आता है तो कभी हमारे ऊपर दुख आता है। तो ये समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती है। कभी कहते हैं कि मनुष्य को कभी क्या है, दुख से घबराना नहीं चाहिए और ना ही परेशान होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास दुख नहीं आएंगे तो हमें कैसे महसूस होगा कि सुख क्या चीज है। तो क्या है, हमें सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को संतुलित तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। इसलिए मनुष्य को क्या है, संतुलित तथा जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है उसको अपनाकर ही उसके जीवन को क्या है, उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। निरंतर काम में लगे रहकर कष्टों को भुलाया जा सकता है। और हम क्या है, हमेशा काम में लगे रहें तो हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको भुला सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।